जो मेरे भाई मोटो व्लॉगर्स हैं, मोटो व्लॉगिंग करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है कि मैं बताने वाला हूँ अपने इस मोटो व्लॉगिंग सेटअप को कैसे आप कम्प्लीटली वाटरप्रूफ बना सकते हो, क्योंकि गोप्रो कैमरा काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आता है, तो कोई नहीं चाहेगा कि भाई ये जल्दी से ख़राब हो या फिर बारिश के सीज़न में हमारी छोटी सी लापरवाही से इसमें कोई दिक्कत परेशानी आए। तो उसके लिए मैंने एक सोल्यूशन निकाला है जिसे मैं बताने वाला हूँ। बट उससे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे कि बारिश के सीज़न में इसमें कहाँ कहाँ से पानी जा सकता है। तो सबसे पहले आप यहाँ से देख सकते हो ऊपर की तरफ से, ये है इसका बैटरी वाला स्लॉट, यहाँ से पानी अंदर जा सकता है। बरसात का जो अडेप्टर है इसमें चार्जिंग वाला स्लॉट है, यहाँ से पानी जा सकता है। और लेफ्ट साइड से यहाँ पे देख सकते हो ये जो अडेप्टर का वायर है सी टाइप, यहाँ से भी पानी जा सकता है। तो अपने इस गोप्रो में काफ़ी जगह से पानी जा सकता है बरसात में, अगर आप इसे यूज़ करते हो, मोटो लॉगिंग करते हो। तो उसके लिए मैंने एक कम्प्लीट सोल्यूशन निकाला है जिसके बाद आप रेनी सीजन में, बरसात में आप टेंशन फ्री होकर के मोटो लॉगिंग कर सकते हो, अपनी ट्रैवल मेमोरीज को कैप्चर कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले मैं बता दूँ, उसके लिए चाहिए हमें सिंपल सा एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ, और इसको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा मैं वाटरप्रूफ कैसे है ये। सबसे पहले आपको इस तरीके से एक पॉलीथीन लेनी है, तो ये मैं आपको दिखा दूँ। तो इस तरीके से पैकेट था ये, मैंने फोल्ड कर लिया है और टेप लगा दिया इस पर। तो मैंने साइज़ नाप लिया था कि जो चौड़ाई है मुझे कितनी चाहिए, तो इस हिसाब से थोड़ा सा मार्जिन लेके मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया। काफ़ी ज़्यादा चौड़ी थी ये, तो इसको इस तरीके से ऊपर से कवर कर देना है साइड से पूरा। तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से पूरा कवर कर दिया है। ये जो माइक का कनेक्टर है इसको भी आप अंदर की तरफ रख सकते हो इसमें पॉलीथिन में। और उसके बाद हमें चाहिए ये कुछ रबड़ बैंड, ये सबके घर में मिल जाएंगे इस टाइप के रबड़ बैंड, अगर नहीं है तो आप बाहर से खरीद सकते हो। तो बड़े वाला रबड़ बैंड है, इसको हम डबल ले लेते हैं इस तरीके से, और इस पूरे को ले लेते हैं हम इस तरीके से नीचे की साइड पर कवर कर दिया। और एक छोटे वाला बैंड ले लेते हैं ये, इसको हम इधर सेंटर में रख लेते हैं यहाँ पे ताकि फिक्स रहे। एक रबड़ बैंड मैंने सेंटर में लगा दिया है और एक सबसे नीचे में डबल करके, और यहाँ पे आप देख सकते हो कम्प्लीटली कवर हो चुका है अपना गोप्रो और ये कनेक्टर भी। तो ये देख सकते हो कुछ ऐसा रेडी हो गया अपना। और इसमें पॉलीथीन की क्वालिटी मैं बता दूँ आपको, पॉलीथीन हमेशा ट्रांसपेरेंट लेनी है एकदम। जो पॉलीथीन देख रहे हो आप, ये मटेरियल एकदम ट्रांसपेरेंट है, तो इस टाइप से लेना है, क्योंकि जो गोप्रो की विजिबिलिटी आपको एज इट इज़ दिखाई दे जैसे ओरिजिनल होती है। अगर आप दूसरी पॉलीथीन यूज़ करोगे तो उसमें क्या होगा, जो फुटेज है वो एकदम ब्लर आएगी, साफ नहीं आएगी। तो आपको ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लेनी है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ अपना रेडी हो चुका है, और आपको ऑन करके भी दिखाया था इसमें, ये अपना ऑन हो चुका है गोप्रो हीरो 10। और इसमें मैं दिखाना चाहूँगा कि जो हमारा टच है वो भी प्रॉपर काम करता है इसमें। लास्ट वाली फुटेज आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से स्लाइड करा मैंने तो ये चल गई। ठीक है, तो लास्ट फुटेज में मैंने चेक करा था, और इसको नीचे स्लाइड कर देते हैं तो ये हो गया हमारा, वीडियो मोड पे आ चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो टच वगैरह प्रॉपर काम करता है, आप इजीली ऑपरेट कर पाओगे इस पॉलीथिन को कवर करने के बाद भी। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस पर पानी वगैरह डालते हैं कि वाटर प्रूफ है कि नहीं है। तो टोटी चालू कर दी, उसके बाद आप ये देख सकते हो। तो अच्छी तरीके से भिगोने के बाद में अब इसे हम अनकवर्ड करते हैं। हमने तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम सूखा है अपना कैमरा, बिल्कुल भी पानी नहीं है। पीछे से भी दिखा देता हूँ साइड से, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, पॉलीथीन में कोई आर पार पानी नहीं जाता, ना ही लीकेज की प्रॉब्लम होती है। बस हमारी पॉलीथीन है जो, उसमें कहीं से भी कोई सुराग नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, पॉलीथीन कहीं से फटी नहीं होनी चाहिए और ना ही सुराग होना चाहिए।
तो बरसात के सीज़न में कुछ इस तरीके से आप अपने मोटर व्लॉगिंग सेटअप को वाटरप्रूफ बना सकते हो। तो ये था एक सिंपल सा तरीका जो कि आपको पता लग गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल और करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, हैव नाइस डे।